नमस्कार, मैं हूं प्रवीण साहनी और आप देख रहे हैं राजनीति। कर्नाटक में कांग्रेस की परेशानियां कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। राहुल गांधी के टेंपल रन और दरगाह दौड़ के बाद भी एक के बाद एक समस्याएं आ रही हैं। पहले रैली में पैसे बांटने के आरोप लगे, कलबुर्गी में तो माइक ने ही मजाक बना दिया, यहां तक कि राहुल गांधी पर चिकन खाकर मंदिर जाने के आरोप लगे और अब तो हाथी की उल्टी चाल ने कांग्रेस को बेहाल कर दिया है। एक चौथाई दलित आबादी वाले कर्नाटक में मायावती दाव अजमा रही है। जनता दल सेकुलर के साथ तो गठबंधन हो ही गया, अब वामपंथियों को पाले में लाने की कोशिश है। अगर हाथी ने कांग्रेस का किला हिला दिया तो राहुल बीजेपी से टक्कर कैसे लेंगे? कर्नाटक में हाथी की उल्टी चाल, माया के दाव से कांग्रेस बेहाल। कर्नाटक का किला बचाने के लिए राहुल गांधी जाने क्या क्या जतन नहीं कर रहे। कभी टेंपल रन करते नजर आते हैं, कभी दरगाह तक दौड़ लगाते, यहां तक कि मंच पर ही माइक के लिए भी परेड करने लगते हैं। आखिर कर्नाटक की सत्ता जो बचानी है। बीजेपी की तगड़ी चुनौती के आगे यह पहले ही मुश्किल लग रहा था कि इस बीच हाथी की उल्टी चाल ने भी कांग्रेस को बेहाल कर दिया। कर्नाटक में कांग्रेस के किले को और कमजोर करने के लिए हाथी ने ठोकर मार दी। दरअसल बार बार हार से परेशान बसपा कर्नाटक में किस्मत आजमाने जा रही है, यहां तक कि जनता दल सेक्युलर से गठबंधन भी कर चुकी है। जनता दल इसकी तरफ से जब ये रिक्वेस्ट आई कि इस कर्नाटक के चुनाव में हम लोग साथ में मिल करके चुनाव लड़ें, हम लोगों की तैयारी पूरे कर्नाटक स्टेट में चुनाव लड़ने की थी, जैसा कि हम लोग लड़ते आ रहे हैं। लेकिन जब बात बनी तो आगे चल करके हम लोगों ने तय किया कि ठीक है, हम लोगों ने अपनी बात अपनी अपनी पार्टी के सामने रखी, अपने लीडर्स के सामने रखी और एक मीटिंग ऑर्गेनाइज हुई जिसमें कि इसको फाइनल शेप दिया गया। उस मीटिंग में हमारी पार्टी के लीडर बहुजन समाज पार्टी के सुश्री बहन मायावती जी और जनता दल एस के नेशनल प्रेसिडेंट फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर श्री देवेगौड़ा जी दोनों लोग मौजूद थे और उसी पे ये फाइनलाइज हो करके इसको हम लोगों ने ब्लॉक किया। बात सिर्फ इतनी ही नहीं है, बसपा जनता दल सेकुलर से गठबंधन के बाद अब सीपीएम और सीपीआई को भी अपने पाले में लाने की कोशिश में जुटी है। बसपा कर्नाटक में गैर बीजेपी गैर कांग्रेस गठबंधन बनाने की जुगत में है। बस यही बात कांग्रेस की पेशानी पर बल डाल रही है। 17 फरवरी को कर्नाटक के बेंगलुरु में रैली को संबोधित करेंगी माया। माया के साथ पूर्व प्रधानमंत्री HD देवेगौड़ा और कुमार स्वामी भी रहेंगे। कर्नाटक में दलित मतदाताओं की संख्या 24% है, 13% मुस्लिम मतदाता भी है कर्नाटक में। ऐसे में बसपा JDS दलित मुस्लिमों को अपने पाले में ले आते हैं तो कांग्रेस के लिए कर्नाटक में किला बचा पाना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि इन्हीं के दम पर कांग्रेस बीजेपी से टक्कर ले रही है। असल में कर्नाटक में CPM और CPI की अधिक मौजूदगी नहीं है, लेकिन इन दलों को साथ लाने में JDS की दिलचस्पी की वजह ये दिखाने की है कि तीसरा मोर्चा भी यहाँ आधार हो सकता है। लेकिन वामपंथियों को डर है कि अगर कर्नाटक में त्रिशंकु विधानसभा की स्थिति रही तो JDS पाला बदलकर बीजेपी के साथ जा सकती है। JDS एंड BSP has decided to contest the forthcoming Karnataka Assembly elections together in alliance. बसपा कर्नाटक के 14 जिलों में 8 सुरक्षित और 12 सामान्य सीटों पर लड़ेगी। बाकी 204 सीटों पर जनता दल सेकुलर अपने उम्मीदवार उतारेगा। लेकिन मैं कहूं कि ये एक हंसी की बात होगी अगर कोई ऐसा सोचता है कि वहां पे नॉन बीजेपी नॉन कांग्रेस की सरकार बना पाएंगे। अगर ऐसा होता है तो मैं कहूंगा कि सेकुलर वोट बांटने की कोशिश होगी, लेकिन इसके बावजूद कर्नाटक की जनता बहुत समझदार है। हमें पूरी उम्मीद है जो काम हमने पिछले 5 सालों के अंदर किए हैं कांग्रेस दोबारा कर्नाटक में सरकार बनाएगी। JDS दक्षिण कर्नाटक में काफी मजबूत है और यहीं अक्सर यहीं से ज्यादा सीटें भी मिलती हैं। फिलहाल कर्नाटक में एक चौथाई दलित मतदाता होने से
बसपा और जेडीएस को उम्मीदें जगी हैं। ऐसे में बीजेपी से कड़ी टक्कर झेल रही कांग्रेस के लिए बसपा जेडीएस गठबंधन भी जीत की कोशिशों की हवा निकालने वाला साबित हो सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, समाचार प्लस।